जब तक आप जीत नहीं सकते, जब तक आपका अपमान ना हुआ हो, जब तक जीतने की जिद ना हो, जब तक करना ही है, करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन मेरे पास है नहीं। जो आपने सोचा वो सब पूरा करने के लिए कुछ चीजें आपके दिल में होनी चाहिए। सबसे पहले आप क्यों जीत को हार में बदल देते हो, क्योंकि आपके अंदर वो चीज करने की भूख ही नहीं है। जब भी दोस्तों आप कुछ करने की सोचते हो और उसे करने से पहले जब आपके दिल में अजीबोगरीब ख्याल आते हैं और आप वही सोच कर रुक जाते हो, तो सिर्फ इसलिए रुक जाते हो क्योंकि डिटर्मिनेशन या दृढ़ निश्चय आपके दिल में था ही नहीं। जब तक आप जीत नहीं सकते, जब तक आपका अपमान ना हुआ हो, जब तक जीतने की जिद ना हो, जब तक करना ही है, करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन मेरे पास है नहीं, जब तक ये फीलिंग्स आपके दिल में आएंगी नहीं, तब तक आप दोस्तों जीतोगे नहीं। जीतने से पहले ही हम हार की सोच लेते हैं तो हार के बारे में सोचने वाले कभी जीत का मजा ले नहीं पाते। कई सारे कारण होते हैं आपके हारने के जो आपकी जीत को हार में बदल देते हैं। उन्हीं सब कारणों के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, और अगर आपने मेरी बताई हुई बातों पर थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो मेरा मानना है आप हारोगे नहीं, जीतोगे। बस आप इन बातों को बहुत ध्यान से सुनना। कई महीनों से दोस्तों एक वीडियो बहुत ट्रेंड हो रही है कि आप अपने आप को 6 महीने के लिए गायब कर लो, 3 महीने के लिए गायब कर लो, कोई कहता है 1 महीने के लिए गायब कर लो। पर गायब होने के बाद आप करोगे क्या? घर बैठकर आप सिर्फ फोन को स्क्रॉल करोगे, रील्स देखोगे, शॉर्ट्स देखोगे, अपने आप पर काम कैसे करोगे? जब तक काम नहीं होगा दोस्तों, जब तक आपके अंदर जीतने की भूख नहीं होगी, जब तक आपका अपमान किसी चीज को लेकर नहीं हुआ होगा, जब तक कि आपके पास दूसरा ऑप्शन है, तब तक आप उस फर्स्ट ऑप्शन के लिए लड़ोगे ही नहीं, क्योंकि हमेशा अच्छा बहुत अच्छे का दुश्मन होता है दोस्तों। जो आपने सोचा वो सब पूरा करने के लिए कुछ चीजें आपके दिल में होनी चाहिए। सबसे पहले आप क्यों जीत को हार में बदल देते हो, क्योंकि आपके अंदर वो चीज करने की भूख ही नहीं है। भूख ही नहीं है मतलब कि आप कभी भी चीजें कोई भी करने के लिए सोचते हो तो करने से पहले उससे हारने की सोच लेते हो, हार का डर आपके दिल में जगह बना लेता है। जब तक आप कोई काम करोगे नहीं, तब तक आपको पता चलेगा नहीं कि वो काम कितना मुश्किल है, कितना आसान है, और अगर वो मुश्किल है भी तो भी आपको हारना नहीं है, पीछे हटना नहीं है, करना ही है। भूख तब होती है दोस्तों, भूखे से पूछो कि उसे रोटी किस तरह से कमानी है। घर में किसी बाप का कोई बच्चा बीमार पड़ा हो, उस बाप से पूछो उसे पैसा कमाने की कितनी बड़ी भूख है। उस इंसान से पूछो जिसका कभी अपमान हुआ हो, अब उसे वो अपने सम्मान पाने के लिए जो भूख दिल में आती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो महाभारत का दोस्तों आपके पास है, जिसके अंदर की पांडवों का अपमान होता है, और वो अपमान की भूख ही उन्हें जीतने के लिए प्रेरित करती है, और वही अपमान उनको जितवा भी देता है। जब तक आपके दिल में जीतने की भूख नहीं, तब तक आप जीतोगे नहीं। चाहे 6 महीने तो क्या, आप चाहें तो 6 साल के लिए गायब होकर देख लो, ये कभी काम आने वाली चीज़ आपके है नहीं। दोस्तों दूसरी बात जो आपकी जीत को हार में बदल देती है वो है चीज़ों को टालना। और टालना ये ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर होता है दोस्तों। हम हमेशा आज की बात कल में टालते हैं और कल की बात परसों में टाल देते हैं। कई लोग हमेशा बहाने बनाते हैं, अपने आप को हमेशा सिक्योर जोन में रखना चाहते हैं, हमेशा अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते नहीं, चीज़ों को टालते रहते हैं। जैसे कि हमेशा बोलते हैं कोई काम, अगर कल सुबह से जिम जाना है तो सोचोगे परसों से जाऊंगा, या कई लोग तो बहाना बनाते हैं कि मंडे से जाऊंगा, उनके पास सिर्फ एक बहाना है। आप कुछ भी काम करने की सोच रहे हो, कोई जॉब कहीं पर ज्वाइन करते हो, तो आप उसके लिए भी शुभ मुहूर्त निकालते हो। जैसे कि आज आपने कोई जॉब छोड़ी, मंगलवार है, तो आप सोचते हो मंडे से ज्वाइन करूंगा, इतना वक्त आप बर्बाद कर लेते हो जो वक्त कभी दोबारा जिंदगी में आने वाला है ना। हर चीज टाल देना, हर चीज कल पर डाल देना, हर चीज कुछ वक्त के बाद कर देना। जैसे कि इंसान ऑफिस पहुंचता है, उसे कुछ काम करना है, तो काम के लिए सोचता है थोड़ी देर बाद कर लूंगा, या फिर मुझे अपनी जिंदगी में किसी भी चीज के लिए पढ़ाई करनी है तो मैं सोचता हूँ आज नहीं, मैं कल पर कर लूंगा। जब तक आप चीजों को टाल रहे हो, तब तक आप वो चीजें अचीव नहीं करोगे, और जो आपको जीत मिल सकती है, जिसके लिए आपका नाम हो सकता है, वो चीज सिर्फ टालने की वजह से आपकी चीज हाथ से निकल जाती है, और गुजरा हुआ वक्त कभी भी वापस नहीं आता दोस्तों। ये कुछ उसी तरह से काम करता है कि लक्ष्मी तिलक करने आती है और आप मुंह धोने चले जाते हो। तीसरी बात मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि जिसकी वजह से आपकी जीत हार में बदल जाती है और आप जीत नहीं पाते हो, आप उस चीज को पूरा कर नहीं पाते, फिक्स टाइम का ना होना। जैसे कि कोई भी चीज के लिए फिक्स टाइम आपने रखा, कई बार मैंने देखा है लोग अपने काम को लेकर बहुत ही लापरवाह होते हैं। किसी भी इंसान को, कोई वकील साहब है, उन्हें कोर्ट पहुंचना है 10 बजे, वो पहुंचते हैं 11 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे तक आराम से घर से निकलते हैं, आराम से कोर्ट पहुंचते हैं। अपने काम को भी सही से इज्जत अगर नहीं देते हैं तो एक वक्त आता है जब उसका काम उसे इज्जत देना बंद कर देता है। किसी के भी ऑफिस का टाइम अगर होता है 9 बजे, स्टाफ पहुंचता है 9:30 बजे, तो वो इंसान वक्त का पाबंद कभी नहीं हो सकता दोस्तों। उसे कभी भी वक्त वो ऑप्शन देगा नहीं, कभी वक्त उसे वो चांस देगा नहीं जिसके लिए वो जिंदगी में अपना नाम कमा सकता है, क्योंकि उसे वक्त की
वैल्यू ही नहीं पता। जब दोस्तों एक वक्त डिसाइड होता है किसी चीज के लिए और जब वो काम उस वक्त पर आप नहीं करते हो तो वो दोबारा वक्त लौटकर जीवन में आपके आता नहीं है। तो मेरा मानना है किसी भी चीज के लिए जो टाइम सेट किया गया उसी वक्त वो चीज कर लो और उस टाइम को अपने हिसाब से सेट आप पहले ही कर लो। पर जब एक बार वक्त डिसाइड हो गया तो वो चीज बदलनी नहीं चाहिए, वो काम करना ही है। अगर आपने आज सोचा कि आज मुझे किसी भी तरह से 10 किलोमीटर दौड़ना है तो दौड़ना ही है, वो कल पर टालना ही नहीं है, फिक्स टाइम के अंदर वो काम पूरा कर देना है। अगर आप वक्त के पाबंद नहीं हो तो वक्त आपको छोड़ेगा। और जैसे मैंने आपको पहले कई बार बोला है कि कभी भी अगर आप वक्त के साथ साथ चले तो ठीक, अगर वक्त के पीछे आप हो लिए तो वक्त ने अगर आपको पीछे छोड़ा तो दोस्तों कभी भी उसकी भरपाई आप कर नहीं पाओगे। दोस्तों आपकी जीत कभी हार में ना बदल जाए उसके लिए चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक पॉइंट है जो आपको सबको समझना चाहिए वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब किसी भी काम को बार बार लगातार करते रहना जब तक क्या वो काम पूरा ना हो जाए। अगर आप लगातार उस काम को नहीं करते रहोगे दोस्तों तो आपको एक वक्त के बाद हो सकता है कि आप थककर पीछे हट जाए, बट कंसिस्टेंसी हमेशा पे करती है। कंसिस्टेंसी हमेशा आपके गोल्स को अचीव करने को पूरा करती है। कंसिस्टेंसी का दोस्तों सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सभी के सामने है जिसमें कि 22 साल तक लगातार पत्थर तोड़ते मांझी ने लगभग 360 फुट लंबी पूरा एक रोड बना दिया जिसमें कि 25 फीट वो गहरा रोड था और 30 फुट चौड़ा रोड था। कंसिस्टेंसी का ही रिजल्ट हुआ कि उसने पहाड़ का सीना चीर कर उसके बीच में से एक रोड निकाल दिया। सिर्फ एक दिल पर लगी हुई बात और एक अपमान का बदला कि मैं हारूंगा नहीं, पीछे हटूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए मैं अपने लक्ष्य को अचीव करके ही रहूंगा। जब तक आपके दिल में वो अपमान की भावना नहीं आएगी, जब तक कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन मेरे पास नहीं इस काम को करने के अलावा, ये फीलिंग्स नहीं आएगी। जब तक कंसिस्टेंसी, जब तक एक ही काम को बार बार करते रहने की कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, आप अपना गोल अचीव कर नहीं पाओगे। दोस्तों एक बूंद अगर किसी पहाड़ पर किसी पत्थर पर सालों साल गिरती रहे तो वहां गड्ढा कर देती है दोस्तों। और ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। बहुत पुरानी हम लोगों ने कहीं पर एक लाइन पढ़ी थी, उसमें बोलते हैं करत करत अभ्यास की जड़बती होए सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। मतलब कि सिल पर भी पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं जब रस्सी बार बार उसे कुरेदती है, तो आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए। जब तक दोस्तों आपके पास अपना गोल नहीं है, जब तक गोल का पूरा प्लान नहीं है, तब तक आप उस गोल को अचीव कर नहीं पाओगे। गोल तो आप बना लोगे, गोल आप क्या बना, कोई इंसान सोचता है कि मैं अगले 2 साल के अंदर ऐसा बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा, पर बॉडी बिल्डर बनने के लिए जो प्लानिंग्स उसे करनी पड़ेगी वो प्लानिंग पूरी होती नहीं है। कोई इंसान बोलता है मैं IAS बन जाऊंगा 3 साल के बाद, पर उसके लिए वो सिर्फ हार्डवर्क करता रहे, गोल के पीछे पड़ा रहे, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, ये बहुत अच्छी लाइन किसी ने कही है दोस्तों। पर मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि उसके लिए प्लानिंग्स पूरी होनी चाहिए, प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपको अपना घर बनाना है 100 गज का, तो 100 गज का घर अगर विदाउट प्लानिंग आप बनाओगे तो बना तो लोगे पर वो आड़ा टेढ़ा तिरछा बन जाएगा। पर अगर आप प्लानिंग के साथ अच्छे आर्किटेक्ट जाकर मिलोगे, नक्शा बनवाओगे, तरीके से बनवाओगे, तो वो जो 100 गज के अंदर भी जो घर बनेगा वो काबिले तारीफ होगा। सिर्फ गोल बनाने से कुछ नहीं होता दोस्तों, उसे तराशना होता है, उसके लिए प्लानिंग्स करनी होती है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे 6 महीने गायब होने से, 3 महीने गायब होने से, 1 महीना गायब होने से होने वाला कुछ नहीं है जब तक आपके पास ये सब चीजें नहीं है। दोस्तों एक बात और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब तक आपके पास दूसरा ऑप्शन है तब तक आप पहले ऑप्शन को अच्छे से कर नहीं पाओगे। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि अच्छा और अच्छे का दुश्मन होता है दोस्तों। जब आपको लगती है कोई चीज़ कि हाँ ये चीज़ ठीक है तो आप और अच्छा कर सकते थे, उसकी वजह से आप अच्छे में ही होकर रह जाते हो। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की कोई क्लर्क की कहीं नौकरी लग गई तो वो उस नौकरी से सेटिस्फाइड है, वो और अच्छे के लिए कोशिश ही नहीं करेगा और उसी नौकरी में पूरी ज़िंदगी अपनी लगा देगा, पूरी ज़िंदगी अपनी ख़त्म कर देगा थोड़ी सी सैलरी के लिए। अगर वो और एफर्ट्स करता तो और आगे जा सकता था, क्योंकि जब तक क्या आप अपने बेस्ट एफर्ट्स नहीं दोगे और अच्छी तरह से मेहनत करके रिजल्ट नहीं दोगे तब तक सामने वाला भी आपका प्रमोशन दोस्तों करता नहीं है, आपको उसके लिए काम करना ही होगा। आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, अगर मैं ये नहीं कर पाया, ये सोच आपके दिल में होनी चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपको बॉडी बिल्डर बनना है, मान लीजिए आपको वकील बनना है, मान लीजिए आपको टीचर बनना है, तो आपको ये सोचना होगा कि मेरी ज़िंदगी में अगर ये नहीं हुआ तो दूसरा मेरे लिए कोई ऑप्शन है भी नहीं, मैं बन पाऊंगा नहीं। ये मजबूरी वो इंसान समझ पाएगा जिसका जॉब का लास्ट अटेम्प्ट बचता है, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। अब वो जितनी मेहनत करेगा वो काबिले तारीफ होगी दोस्तों, और आप उससे पूछेंगे तो अपना वो 100% उसके अंदर लगा देगा। या कोई इंसान जिसके पास जिंदगी के लिए सिर्फ बचे ही 3 दिन हो, 3 दिन पूरी जिंदगी जी लेना चाहता है, ऐसा ही कुछ काम करता है। जब आपके पास यू हैव नो ऑप्शन, जब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता तो पहले ऑप्शन को पूरे दिलो जान से आप अचीव करने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हो दोस्तों। तो दोस्तों आपको खुद पर भरोसा रखना है और उस भरोसे को
डेली उसको पालना है, पोषना है, ताकि वही जो भरोसा है वो आपका टूट ना पाए किसी भी तरीके से, और जो आपको जीवन में करना है करते ही रहना है। दोस्तों, ये जो सक्सेस है, जो अचीवमेंट है, ये प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि कोई भी अचीवमेंट आज आपको आज मिल गई तो दोबारा एक और आगे की अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए नहीं या फिर आपको अचीव करना नहीं। आपको डेली उस पर काम करना होगा, डेली उसके लिए फाइट करना होगा। तो इसलिए लगे रहो, चरैवेति चरैवेति ही नियम है, पढ़ोगे संस्कृत में तो आपको समझ आएगी वो चीजें। जिंदगी दोस्तों चलने का नाम है और जिंदगी बदलाव का नाम है, तो इन चीजों को आपको भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।